उत्तराखंड में पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेसी एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार जासूसी कराने का काम कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर तमाम पत्रकार भी शामिल हैं। इसी को लेकर बात की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से, सुनिए। कांग्रेस जासूसी कांड को लेकर उत्तराखंड में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि ये प्रदर्शन देशव्यापी है, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड भी एक प्रदर्शन करने जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी है, जिसके बाद वो एक बड़ा प्रदर्शन आज राज्यपाल राजभवन तक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आज जो जासूसी कांड को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी प्रदर्शन है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जिस तरीके से देश के लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, अन्य लोगों की जासूसी करने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस राज्यपाल आवास मार्च करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, आपको याद हो तो, उन्होंने कहा है कि जब भी देश हित की बात आती है कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ खेलती है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में, और अगर कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिली हुई है तो भाई सत्ता आपके पास है, आप कार्रवाई करें, आप जांच कराएं, क्यों घबरा रहे हो जांच से? यदि केंद्र सरकार जांच के लिए नहीं मानती है तो अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? नहीं देखिए, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय है और इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का काम करें। यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ कर दिया है कि यदि जेपीसी की मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो देशव्यापी प्रदर्शन वो करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।